वॉट अ मैच, वॉट अ फैंटास्टिक थ्रिलिंग मैच, अनबिलीवेबल यार, मतलब हद हो गई, जबरदस्त मैच कल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश ने मात्र 138 रन बनाए, 8 विकेट गिर चुके थे और लग रहा था कि उत्तर प्रदेश अब नहीं डिफेंड कर पाएगी, लेकिन एक रन से जीत गई। मैच लास्ट ओवर तक गया और लास्ट ओवर में क्या हैरिस ने जबरदस्त गेंदबाजी की, इतना स्मॉल, इतना कम स्कोर था यार, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, यूपी वालों ने क्या कर लिया, डिफेंड कर लिया। और मास्टर स्ट्रोक हैरिस का, मैंने आप लोगों को बोला भी था टेलीग्राम में कि हैरिस आज की क्या हो सकती है, मास्टर स्ट्रोक कैप्टन वाइस कैप्टन की दावेदार हो सकती है। मैंने दीप्ति शर्मा को भी बताया था, हालांकि दीप्ति शर्मा को मैंने कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन यस मैंने आपको कैप्सी को भी बोला था कि कल कैप्सी हो सकता है गेंदबाजी करियो, आपने देखा कैप्सी ने एक ही ओवर फेंका और एक विकेट ले भी गया। तो मैंने मास्टर स्ट्रोक भी बहुत सारे मारे और ये यूपी ने भी कल गजब का मास्टर स्ट्रोक मारा, गजब के चेंजेस किए और 138 रन का भी टारगेट क्या कर ली, वो डिफेंड कर ली। तो अब एक बात को समझो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये दिल्ली की जो पिच है ना, अरुण जेटली वाली, ये हाथी के दांत वाली है, ये वाली है दिखाने वाली, मतलब जहां पे ज्यादा रन दिख रहा है कि ज्यादा रन बनेंगे, और ये वाली है एक्चुअली में हाथी के दांत खाने वाली। और क्योंकि दिल्ली की जो पिच है वो यही वाली जानी जाती है कम स्कोर के लिए और स्पिनर्स की मदद के लिए, गेंद नीचे रहने के लिए, तो अब ये दोनों मैच जो देखने को मिला लास्ट के दो मुकाबले, वो हाथी के जो दांत खाने वाले है ना, वैसा वाला देखने को मिला। अब ऑलरेडी पहला मुकाबला इस वाले पिच पे हुआ था तो 160 रन तक बना था, दूसरी टीम 118 रन तक ही बना पाई थी, दोबारा से उस पिच पे हो गया तो ये तो होना ही था कि दोनों के दोनों टीम मजबूत टीम थी और दोनों टीम का ये हाल होना था, ये तो मतलब लगभग तय ही था। अब आज का जो मैच है या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद कहां है कि यहां पर हो सकता है। खैर अभी मैंने सुबह में जो वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया है कि अगर यहां पे पेस देखने को मिलती है तो क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, हालांकि उसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करूंगा, क्योंकि अभी का मैं ये क्या देख रहा हूं, ये चीज कि ये वाला मतलब देख रहे हो, एक तो मैच ऑलरेडी हो गया, फिर दोबारा हुआ तो और भी बुरा हाल हो गया, तिबारा से इसी मैच में हो जाएगा तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि पिछला मुकाबला देखोगे तो 2-4-5 था, यानी दो विकेट कीपर तो पॉइंट देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विकेट गिर रहा है तो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे रहे हैं। चार ये कौन थे, चार ऑलराउंडर थे, बैटिंग हटा दो, चार ऑलराउंडर थे और ये पांच क्या थे, गेंदबाज, और पांच गेंदबाजों में एक थी टाइटस साधु और एक कौन थी, ठाकुर, ये साइमा ठाकुर, जो कि मैंने हमेशा बोला है कि यार इसको मौका मिलेगा तो ये करेगी, पिछले मुकाबले में एक विकेट और इस मुकाबले में दो विकेट, तो ये वाला सीन रहा है, दो इंडियन लड़की वहां पे आई हैं और चार ऑलराउंडर पांच गेंदबाज, तो ये वाले दोबारा इस पे हो जाता है। तो मैंने पिछली जो वीडियो डाली है वो पूरा जाकर के आप देखना और लास्ट में टेलीग्राम में आना, उसमें थोड़े चेंजेस मैं करूंगा, क्या चेंजेस करूंगा वो वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम में आओ तो आपको पता चलेगा। अब मैंने बताया कि अगर इस वाले पिच पे हो जाता है, जो कि चांसेस है इस वाले पिच के ऊपर हो जाएगा, तो मैं क्या लेके जाऊंगा, ये दो टीम, मैंने सीधा टीम लिख दिया, ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मुंबई अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या टीम लेके जाऊंगा, और अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा, और क्या क्या चेंजेस लाऊंगा, क्या क्या ट्रम्प कार्ड, क्या क्या मास्टर स्ट्रोक मारूंगा, क्या कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ वाला रहेगा, और फिर ट्रम्प कार्ड कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, जैसे मैंने कल बता दिया था आपको ना, जैसे हैरिस का बता दिया था और मैंने किसका बता दिया था, दीप्ति शर्मा मैंने आपको बताया था, एक बार जाकर टेलीग्राम को देख लो आपको पता चल जाएगा, जो नए लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि मैंने वहां पे बताया हुआ था, ठीक है। अब चलो दो टीम मैंने बना दी है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा डिटेल लेकर के जाओ, सिर्फ स्क्रीनशॉट के आधार पर चले जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से समझना बात को। अगर मुंबई पहले बल्लेबाजी करी तो मैं 7-4 के साथ जाऊंगा इस वाले पिच को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। 7-4 में मैंने किसको रखा हुआ, यस मुंबई के 7 और गुजरात के 4, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये वाली पिच होती है तो ऑल्दो पहले इनिंग में ज्यादा रन बने, लेकिन सेकंड इनिंग में जो देखोगे रन क्या हो रहा है, कम बने हुए ना, बिल्कुल कम बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुंबई पहले बल्लेबाजी करेगी और जीजी अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है तो ये जो सेकंड इनिंग में आपको जो 180 और 163 दिख रहा है ना, शायद जीजी इतना भी नहीं बना पाएगी। हालांकि पिछले मुकाबले में मैंने आप लोगों को बोला था कि जीजी आज पलटवार करेगी, पलटवार का हफ्ता है, लेकिन मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो दूसरे इनिंग में 180-163 दिख रहा है ये भी अब पलटवार होगा, और इस बार अगर जीजी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो 180-163 तक नहीं पहुंच पाएगी, और यही कारण है कि मुंबई के 7 और जीजी के मैंने 4 खिलाड़ी को लिया। तो कौन से हैं देख लो, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। मैं भाटिया के साथ जा रहा हूं क्योंकि पहले इनिंग में रन देख रहा हूं ना बन रहा है, तो उसके हिसाब से तो पहले इनिंग में रन तो टॉप दी ऑर्डर खेलती है भाटिया, ओपनिंग करती है, काफी मैच से चल नहीं रही है तो मुझे लगता है गट फीलिंग है आज चलेगी। एंड यस अगर थोड़ा बहुत लड़खड़ाती भी है तो विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट दे देगी, आपको पता है स्टंपिंग हो गया, रन आउट हो गया, कैच हो गया, दे देगी आपकी। मैथ्यूज आपको पता है पावर प्ले में गेंदबाजी करने आती है, सेकंड में विकेट गिर रहा है तो गेंदबाजी से विकेट देगी, प्लस पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आती है तो वहां से आपको फायदा भी हो जाएगा। पावर प्ले में मतलब क्या, ऊपर बल्लेबाजी करने आती है। ब्रेंड का आपको पता है सेफ प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग देती है तो आपका सेफ है, ये ड्यूटी का हिस्सा रहती है। पूजा की मैं बात करूंगा, पूजा वस्त्राकर, हालांकि
बल्लेबाजी में देखो तो बहुत डाउन डी ऑर्डर आ रही है, तो मैं पूजा पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार मार देता हूँ, क्योंकि पता है पूजा क्या है, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छे टप्पे पे गेंद डाल रही है, लेकिन यह है कि पूजा का सीन ये है कि पूजा को बल्लेबाजी नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल पूजा को बल्लेबाजी नहीं मिल रहा, क्योंकि लास्ट मुकाबले में देखो अगर पूजा बहुत नीचे आई थी, सजना से भी नीचे आई थी, तो बल्लेबाजी इसका कट कर दो, बची गेंदबाजी, तो गेंदबाजी ये वाली पिच के ऊपर देखोगे थोड़ा सा ये है कि ठीक है चलो सेकंड में मतलब गेंदबाजी से विकेट ले रही है, तो चलो ठीक है पूजा को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है पूजा को मान लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं लेकिन लेके चलता हूँ, लेके चलता हूँ। इस हाक आपको पता नहीं है वर्ल्ड के सबसे तेज ये पेसर जो उससे पेस फेंक रही है, जिस पेस के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस जोश के साथ ये गेंदबाजी कर रही है, जबरदस्त है भैया ये गेंदबाज जबरदस्त है। और फिर आती है कौन, कौर, और ये इस्माइल और कौर, इस्माइल लेग स्पिनर और कौर कौन है बल्लेबाज, इन दोनों में से किसी एक के साथ मैं जाऊंगा, ठीक है किसी एक के साथ। अब चार उनके जो खिलाड़ी है कौन कौन है, गार्डनर, तनुजा और तीसरे स्थान के लिए वेदा, यस वेदा या हेमा, ये वेदा या हेमा किसी एक के साथ मैं जाऊंगा, और चौथे के लिए मैं लौरा या मुनी, लौरा या मुनी में से किसी एक के साथ जाऊंगा, बिकॉज मेरे को गट फीलिंग है कि लौरा और मुनी में से कोई एक ही होगी जो क्या होगी सफल होगी। तो या तो आप ये कर सकते हो कि वेदा और हेमा को में से एक को डाल दो, या तो वेदा हेमा को हटाते हुए, बिल्कुल हटाते हुए आप लौरा मुनी और लिचफील्ड तीन में से दो की जगह क्या कर सकते हो यहाँ पे आप भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मान लो कि अगर लौरा और मुनी को मैं टीम में डाल देता हूँ ए, ठीक है, मैं भाटिया और मैथ्यूज की टीम बना देता हूँ बी, ठीक है, ब्रंट और कौर की टीम बना देता हूँ सी, ओके, और उसके बाद मैं क्या बना देता हूँ कि लिचफील्ड और गार्डनर की, लिचफील्ड और गार्डनर की बना देता हूँ मैं क्या टीम, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और अगर आपको लगता है कि आप बता सकते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन सर सबसे ज्यादा बताएगा, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप जाकर के बताओ कि सर ए बी सी या डी कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो सबसे ज्यादा बनाएगा। लेकिन देखो यहां पे तो आपका गिव अवे का जो सवाल है वो यही है कि आपको बताना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पहला सवाल यही है कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, तो गिव अवे का पहला सवाल यही है, ठीक है। और गिव अवे का सही सवाल जवाब देने पर तो आपको गिव अवे में क्या मिलेगा, अटूल फैनेटिक की तरफ से आपको एक ब्रांडेड न्यू टी शर्ट मिल जाएगा, आपके एड्रेस पर भेजवा दूंगा। तो पहला सवाल ये है, पर ध्यान देना एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है खिलाड़ी अड्डा, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप बता सकते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, तो अगर आप मात्र 100 रुपए लगाते हो तो आपके 100 रुपए कितने बन सकते हैं इंटू 30 कितने हो जाएंगे 3000, मतलब आपके 100 रुपए 30 गुना रिटर्न आपको दे सकता है, और 100 रुपए आपके बन जाएंगे कितने 3000 रुपए अगर आप बस सही कॉम्बिनेशन बना दोगे। तो करना क्या होगा कि बस आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको गेम सेलेक्ट करना है, गेम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है मैच, और मैच सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है फैन बैटल, ये दिख रहा है ना फैन बैटल सेलेक्ट कर लो, और फैन बैटल सेलेक्ट करने के बाद आप कॉम्बिनेशन बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और आपके जो भी पैसे होंगे वो 30F का रिटर्न हो जाएंगे। तो पहला गिव अवे का सवाल मैंने पूछ दिया, और मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया कि वहां भी 30 गुना हो सकता है, ठीक है। तो ये रही पहली टीम, अब दूसरी टीम मैं आपको बताता हूं कि दूसरी टीम क्या होगा, कि अगर जीजी पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मैं 6-5 के साथ जाऊंगा, ठीक है 6-5, फिलहाल मैं आपको 5-5 दिखाऊंगा, और छठवे के लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा किस तरीके से दूंगा ध्यान से देखना। मैथ्यूज को मैं लेके चलूंगा, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि जीजी अगर पहले इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है, यानी ये मुंबई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगा, तो मैं मैथ्यूज को फिर भी लेके चलूंगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में क्या है कि भले विकेट गिर रहा है लेकिन फिर भी रन तो इतना तक पहुंच गया, और मुझे लगता है कि अगर मुंबई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो ये वाला उसके अंदर मादा है, मतलब समझ रहो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जीजी अगर बनाती है 180 या फिर मान लो 170 बनाती है, तो मुंबई के अंदर मादा है कि या तो वो उसको चेस कर लेगी या तो 10 रन से या 12 रन से क्या करेगी चूकेगी, लेकिन करीब करीब पहुंच जाएगी और हाई स्कोरिंग कर देगी। अगर गुजरात हाई स्कोरिंग कर देगा तो ये मुंबई भी हाई स्कोरिंग कर देगी, क्योंकि उस लेवल के बल्लेबाज के पास है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और जीजी पहले नहीं खेलने के बावजूद बड़ा नहीं कर पाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटेड करके मैं लेके चल रहा हूं। मैं मैथ्यूज को ले रहा हूं, ब्रंट को ले रहा हूं, इसहाक को ले रहा हूं बॉलर है, कर और कौर को ले रहा हूं, कर और कौर, कर लेग स्पिनर काफी दिन से विकेट नहीं ले रही है, इंट्यूशन गट फीलिंग कहीं ना कहीं कहते हैं कि काफी दिन से चल नहीं रही है गेंदबाजी से, चल सकती है बल्लेबाजी, तो उसको फिक्स से पॉइंट दे रही है कौर का, यस कौर हमेशा सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करती है जिम्मेदारी से करती है, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर ऊपर से कोई लड़खड़ाता है तो कौर आके क्या कर लेगी संभाल लेगी, इसलिए मैं कौर को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। अब इनकी बात करोगे तो लौरा मुनी लिचफील्ड, लौरा मुनी लिचफील्ड यानी टॉप जो थ्री है ना यहाँ पे लिखा है मैंने टॉप थ्री में से मैं दो को लेके चलूंगा, तो लौरा मुनी लिचफील्ड में से किसी दो को मैं लेके चलूंगा, फिर गार्डनर, ब्रायस, तनुजा, मेघना, राइट। और आखिरी जो जगह है ये जो 11वां वाली जो जगह होगी, 11वां जगह देखो मैं मास्टर स्ट्रोक मारना चाहता हूं, आई रियली होप कि जो मास्टर स्ट्रोक मारूं ये सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, शबनम और सजना।
आप देख रहे हो यहाँ पे शबनम है ना, शबनम, और यहां से देखोगे तो कौन है, सजना। इस शबनम और सजना में से किसी एक के साथ मैं क्या करूंगा, जाऊंगा अपने 11वें खिलाड़ी के लिए। तो ये है मेरा क्या है पूरा टीम का सिलेक्शन। हालांकि लास्ट टाइम में इंट्यूशन क्या कहता है, साइकोलॉजिकल दिमाग क्या कहता है, मेरी गट फीलिंग, अंदर की फीलिंग, अंदर की आत्मा क्या कहती है, उसको मैं लास्ट मोमेंट तक सुनता हूं, पूरा व्हाइट बोर्ड दिन भर देखता हूं, और लास्ट में जब टेलीग्राम पे आता हूं तो टेलीग्राम पे मैं मास्टर स्ट्रोक मारता हूं, बहुत सी चीजें बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि यहां के बाद आप, डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली है, आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लोगे। अब गिव अवे का जो दूसरा सवाल है वो क्या है, गिव अवे का दूसरा सवाल यह है कि आपको बताना होगा उस ऑलराउंडर का नाम। ओके, उस ऑलराउंडर का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा क्या आपको देगी, पॉइंट देगी। बस तो पहला सवाल आपको पता है कि ए बी सी डी आपको बताना है, यहाँ कमेंट भी करना है, आपको बताना होगा, और वहां पे चाहो तो वो भी आप खेल सकते हो। और दूसरा जो सवाल है वो क्या है, आपको बताना होगा कौन सी ऑलराउंडर होगी जो सबसे ज्यादा पॉइंट देगी। अब एक बात का ध्यान समझना, सबसे बड़ा मेरा जो मिशन है वो है मिशन आईपीएल। आईपीएल की मैं तैयारी जो कर रहा हूँ वो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, पूरी प्लानिंग के साथ पूरे रूल बना रहा हूँ, क्या सिस्टम हो सकता है, क्या रूल हो सकता है, क्या स्ट्रैटजी अपना सकते हैं, क्या माइंडसेट अपना सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोस देखने को मिलता है, बहुत सी चीजें जिसपे मैं पैटर्न्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा हूँ। एंड यस, मैंने आप लोगों को बोला था 10-15 दिन पहले बोला था कि मैं एक ऐसी वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे प्लानिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एक समझो ना कि मेरी पूरी तैयारी चल रही, स्ट्रैटजी चल रही है, जहां पे आप 3500 रुपए लगा करके, आप 3500 रुपए लगा करके 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो। यस, ये चीज जो आपको दिख रही होगी ना, 3500 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए, ये जुआ सा लग रहा होगा, मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो चीजें होंगी ना, इसके पीछे मैं आपको एक स्ट्रैटजी बताऊंगा, एक अपनी प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टीम को बनाना होगा, किस मैच में लगाना होगा, और क्या टीम का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और किस चीज का इंतजार करना होगा कि ये उसी मैच में जाकर के आपको देखने को मिलेगा। हर बार ये एक मैच में ऐसा देखने को मिला है, और वही एक मैच का आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि उस मैच में अगर आपका तीर लग गया तो आपके मात्र 3500 रुपए से आप कितने जीत सकते हो, रैंक वन की कितनी प्राइस है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ जो भी है वो क्या हो जाएगा आपका, ये लग जाएगा। तो मैं एक कॉमन फिगर 1 करोड़ मान के चल रहा हूं कि 3500 लगा करके 1 करोड़ जीत सकते हो, और अगर 1 करोड़ नहीं भी अगर आप जीतोगे ना, तो ध्यान देना आपकी जो रैंकिंग होगी वो टॉप 5 में होगी, टॉप 5 के अंदर आपकी रैंकिंग होगी। अब आप देख लो टॉप 5 के अंदर कितना है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, जो भी होगा वो आप जाके चेक कर लेना, लेकिन आपके 3500 रुपए लगा करके टॉप 5 रैंकिंग में आ सकते हो। और अगर ऊपर वाले का अनुग्रह बहुत ज्यादा हमारे पर हुआ, आशीर्वाद ज्यादा हुआ, ज्यादा थोड़ा सा लक साथ दे दिया, तो पहला रैंक भी आ सकता है, तो जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। बट उस स्ट्रेटजी को आप कैसे पा पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो वहां पर जो घंटी दिख रही है ना बेल आइकन, उसको हिट कर लो, ताकि जब वीडियो आए ना, जब मैं उसकी वीडियो बना दूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और पहले सबसे पहले आप स्ट्रेटजी क्या करो सीख सको, और मेरी वीडियो में हमेशा आप पेन पेपर लेके बैठा करो। तो उम्मीद करता हूं पेन पेपर लेकर बैठे होगे, और मेरी लॉजिक और लर्निंग को आज आप लिए होगे, ठीक है। मेरी गट फीलिंग इंट्यूशन क्या कहती है, ये भी ध्यान देना कि ऐसा सिचुएशन आ जा सकता है मैच के दौरान कि हेमलता वेदा दोनों में से आपको एक आज, मतलब आज बेहतर खेलते हुए दिखाई दे सकती है, और परसेंटेज भी देखोगे तो परसेंटेज भी क्या है इनका, बहुत कम है। तो हेमा और वेदा में से कोई आपको अच्छा करते दिखाई दे सकता है, और इधर की तरफ अगर आप आओगे तो अगर सिचुएशन ऐसी ये वाली आ जाती है, ये वाली सिचुएशन आती है, तो आप देखोगे एक और सजना में से एक आपकी होगी जो मास्टर स्ट्रोक मारेगी, और इधर से देखोगे तो हेमा, हेमलता और वेदा में से कोई एक हो सकता है मे बी कि आपको इस वाली पिच पर अगर हो जाता है तो बढ़िया खेलते हुए दिखाई देगा। तो ये मेरे मास्टर स्ट्रोक जो मैं मार रहा हूं, उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये पसंद आई होगी। बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना ही मांगता हूं कि आप प्लीज यहां के बाद टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वो लाइव में आते हैं, लाइव आते हैं और सेशन लेते हैं काफी ज्यादा, काफी कुछ बातें वहां पर होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, मतलब जो भी सवाल पूछा है वो कॉमेंट करके बताना जरूर कि ऑलराउंडर और ये वाला गिव अवे का सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहना, एंड यस अपना ख्याल रखना और अपने से ज्यादा अपने परिवारों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।